नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। नई नई गाड़ी की हम डिलीवरी ले चुके हैं और अभी जो गाड़ी में है कुछ एसेसरीज कंपनी दिए हुए हैं, जैसे कि वो क्रैश गार्ड वगैरह। तो कुछ एसेसरीज जो है वो अपने को खुद से लगवानी पड़ती है, तो कौन सी है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है अपने ब्रेक लीवर की जो ग्रिप आती है वो हमें बिठानी है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तभी वो उतना खास अच्छा जो है ग्रिप प्रोवाइड नहीं करती। उसके बाद में ग्रिप कवर्स लगवाने हैं, जो कि जब हम एक्सलेट वगैरह करते हैं तभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ग्रिप कवर और ब्रेक लीवर कवर जो है उसमें बिठाने वाले हैं। तीसरी मेन चीज़ जो है दोस्तों अपना सीट कवर है, मतलब सीट कवर लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने कौन सा सीट कवर लगाया हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या गाड़ी में चेंज हुआ है। और अभी इस टाइप से हमने जो है दोस्तों ग्रिप कवर्स लगवाया है। देखिए जब भी हम गाड़ी की जो एक्सेलरेट वगैरह कैरी करेंगे और उधर के साइड जब हम ऐसे उसको पकड़ेंगे तभी हमें काफ़ी अच्छी ग्रिप जो है वो मिल जाती है। और उसके बाद में जो है दोस्तों ये जो ब्रेक लीवर्स वगैरह है इसमें भी हमने ग्रिप कवर यूज़ की है। इसका बिठाने का रीज़न जो है दोस्तों अच्छी तरह जो है हमारे हाथ में ग्रिप बने ही रखे, जब भी हम ब्रेक का बाइट लेंगे तभी वो अच्छे से हमारे हाथ को जो है वो ग्रिप मिलती रहे। इसलिए ये मेरा पर्पस था, इसलिए मैंने ये बिठाई। काफ़ी स्कूटर्स में वगैरह आप देखते हो तो ये कोई लगाता नहीं है, बट हमने लगा हुआ है। बाहर काफ़ी ज़ोर से हवा चल रही थी दोस्तों, इसलिए हमने अभी इधर कंटिन्यू किया है वीडियो। तो कुछ स्टेप से हमने ग्रिप कवर और ब्रेक लीवर कवर ये इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके जो प्राइस है दोनों भी 60 रुपये हैं, आप किसी भी आफ्टर मार्केट से उठा सकते हो। उसके बाद में मैं बात करूँगा सीट कवर की। तो इसका सीट कवर मुझे मिलने में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि नई गाड़ी है मतलब उसको सीट मैच कराना पड़ा। तभी ये जो सीट कवर है मुझे मिला 240 रुपये में विथ फिटिंग। आप भी ऐसा लगवा सकते हो। ये जो है थोड़ी थोड़ी सी इसमें मेमोरी फोम है, ठीक है, ये थोड़ा सा दबता है और इसकी क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। इसमें जो है वो 150 रुपये तक भी आता है और उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी लो रहती है। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने जो है ये सीट कवर गाड़ी में इंस्टॉल करवाया है। तो कुल मिलाकर जो है अपना सब काम ये वगैरह 60 रुपीज़ में हो गया, जो कि ये जो ग्रिप कवर से मैंने घर पे ही इंस्टॉल किए। ये जो ब्रेक लीवर जो कवर है दोस्तों ये जो है इंस्टॉल हो नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मुझे ये जो है इसको कट करके इंस्टॉल करना पड़ा, तभी ये मैच हुआ। इसलिए ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप भी इस तरीके से जो है गाड़ी की एक्सेसरीज लगवा सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है दोस्तों। सीट कवर जो है कंपनी ने दिया होता है, तो कई बार क्या हो जाता है हम सीट कवर नहीं चेंज कर देते वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये इंस्टॉल किया। उसके बाद में ये जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज है, ये गाड़ी में होनी ही होनी चाहिए। अभी कुछ और काम गाड़ी में बाकी है, जो कि पापा का स्टिकर वगैरह यहाँ पे लगेगा, कुछ और स्टिकर्स भी लगवाने थे। रेडियम आर्ट में जाएंगे हम, तभी वो आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक गाड़ी का नंबर भी नहीं आ चुका है, तो इसलिए हम उसका भी वेट कर रहे हैं। और गाड़ी अभी चल चुकी है लगभग 650 किलोमीटर के आसपास, कुल मिलाकर 15 दिन में। और अभी हमारा नंबर भी नहीं आ चुका है अभी गाड़ी में, तो फर्स्ट सर्विस भी गाड़ी की बाकी है। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ही कि किस तरीके से इसकी फर्स्ट सर्विस होती है। और अपना नंबर जब आएगा तब मैं आपको अगली वीडियो देते रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जो गाड़ी की मैंने रेंज टेस्ट कर रहा हूँ ऑफ़ कैमरा, तो उस ऑफ़ कैमरा में मेरे को जो है 95 किलोमीटर्स तक सिंगल चार्ज में गाड़ी एवरेज दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छा है विथ पिलियन, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी ये गाड़ी लगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।